नमस्कार दोस्तों, एचआरआई न्यूज पर आपका स्वागत है। ईबीएम बैन को लेकर ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से खबर है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे कि पूरी जानकारी आप तक पहुंचे। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी ईबीएम की जगह बैलेट पेपर के इस्तेमाल का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो पर एम रखते हैं 2000 लाइक का। तो चलिए दोस्तों, खबर की तरफ चलते हैं। ईवीएम बैन कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। दोस्तों, वकील सी आर जयासुकिन की ओर से शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर करके ईवीएम बैन कर उसकी जगह बैलेट पेपर वापस लाने की मांग की गई थी। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मांग की गई थी कि इन 5ों राज्यों में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराया जाए। इस याचिका में दलील दी गई थी कि ईवीएम मतदान के लिए सुरक्षित नहीं है, इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे विकसित देश भी ईवीएम का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं और राष्ट्रपति चुनाव ही वहाँ पर बैलेट पेपर के जरिए कराए जाते हैं, तो फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कहा गया था कि ईवीएम में निर्माण के दौरान छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों, यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2021 में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सीधे तौर पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग से ईवीएम का उपयोग बंद करने और आगामी चुनावों में इसकी बजाय बैलेट पेपर का उपयोग करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। वहीं यहां पर दोस्तों, कोर्ट ने यह जरूर कहा कि याचिकाकर्ता मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकता है, और यह कहकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। देख सकते हैं दोस्तों, मोदी सरकार की नई चाल है और सब कुछ सरकार के इशारे पर ही होता है। चुनाव आयोग भी सरकार के साथ मिला है और ईवीएम में गड़बड़ी पूरी तरीके से संभव है, यह बात भी याचिका में कही गई थी। दोस्तों, इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए एचआरआई न्यूज़ को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाइए और अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।